जय हिंद, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू नॉलेज अड्डा एक्स वाई जेड में एक नए वीडियो लेक्चर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, सब्जेक्ट है पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर स्काडा। इस सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 4 चल रहा है, असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज का जो वीडियो टॉपिक दोस्तों बेसिकली होने वाला है असेंबलर डायरेक्टिव, असेंबलर दिशा सूचक में। ये असेंबलर में दिशा सूचक क्या होता है, इनके ये कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सकती है यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, असेंबलर दिशा सूचक या असेंबलर डायरेक्टिव यह होता है कि कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोल में यदि क्या करते हैं, हम असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, तो असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के लिए क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं, उसे ही कहा जाता है असेंबलर डायरेक्टिव या असेंबलर दिशा सूचक। तो इसमें ही बताया गया है कि माइक्रो कंट्रोल की असेंबली लैंग्वेज में कुछ विशेष स्मृति सहायक निर्देश या न्यूमेरिक इंस्ट्रक्शन होते हैं जो असेंबलर के लिए दिशा सूचक का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें असेंबलर दिशा सूचक कहते हैं। तो दोस्तों, यदि कोई माइक्रो कंट्रोल से क्या कर रहे हैं कि यदि हम कोई असेंबली लैंग्वेज को लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उस कन्वर्ट करने के लिए, उसको करवाने के लिए, मतलब कि असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रक्शन की आवश्यकता पड़ती है, जिसे असेंबलर डायरेक्टिव कहा जाता है। MCS 51 फैमिली के असेंबली लैंग्वेज के प्रमुख असेंबलर दिशा सूचक निर्देश निम्न है। मतलब जो 8051 माइक्रो कंट्रोल हमारा फैमिली का है, उसमें असेंबली लैंग्वेज का जो उपयोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कुछ असेंबलर, जो असेंबलर डायरेक्टिव हैं, वह निर्देश क्या है, निम्न है। तो पहला दोस्तों क्या है, ORG सेट ऑरिजिन का दोस्तों क्या है, एक प्रकार का असेंबलर डायरेक्टिव या एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी असेंबली लैंग्वेज में। मतलब जैसे कि जो पढ़े थे पिछली बार हमने माइक्रो कंट्रोल में क्या था कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ठीक इसी प्रकार असेंबली लैंग्वेज में असेंबली क्रिया कराने के लिए क्या था, कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, तो उसे ही कहा जाता है असेंबलर डायरेक्टिव। तो पहला हेडिंग दोस्तों क्या है, ORG सेट ऑरिजिन। जो ए ओ आर जी क्या है दोस्तों, एक प्रकार का इंस्ट्रक्शन होता है, और इसका यही काम होता है कि जो जो भी मेन मेन प्रोग्राम मेमोरी या सब प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है, उसके प्रारंभिक एड्रेस को सूचित करने के लिए ओ आर जी असेंबलर डायरेक्टिव का उपयोग करते हैं, या ओ आर जी इंस्ट्रक्शन सेट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि ओ आर जी डायरेक्टिव मेन प्रोग्राम या सब प्रोग्राम के प्रारंभिक एड्रेस को सूचित करता है। कहने का मतलब जो ORG डायरेक्टिव है, जो भी मेन प्रोग्राम है या सब प्रोग्राम, ठीक है, जो भी मेन प्रोग्राम है या सब प्रोग्राम है, उसको उसके स्टार्टिंग एड्रेस, उसके प्रारंभिक एड्रेस को सूचित करने के लिए ORG या सेट ऑरिजिन असेंबलर डायरेक्टिव का उपयोग किया था। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पर एक एड्रेस दिया है ORG 0500H, एक प्रकार का मेमोरी का एड्रेस है। तो यही बता रहा है कि जो प्रोग्राम मेमोरी हुई, जो भी हमारी प्रोग्राम मेमोरी है, वह ORG 0500H से क्या है, स्टार्ट हुई है। तो इसमें यह बताया गया कि असेंबलर को बताता है, जो असेंबलर है, ठीक है, जो असेंबलर है, वह यह बताता है कि प्रोग्राम मेमोरी में 0500 एड्रेस से प्रोग्राम जो है, जो भी मेन प्रोग्राम है या सब प्रोग्राम है, वो स्टार्ट हुआ है। दूसरा दोस्तों इंस्ट्रक्शन जो असेंबलर डायरेक्टिव है, वह है डिफाइंड बाय DB। ठीक है दोस्तों, DB डायरेक्टिव या डिफाइंड बाय डायरेक्टिव का उपयोग प्रोग्राम में 8 बिट डाटा को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब जो डिफाइंड या DB डायरेक्टिव है, DB डायरेक्टिव का उपयोग प्रोग्राम में जो भी 8 बिट का डाटा होगा, ठीक है, 8 बिट का जो भी डाटा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए कहते हैं डिफाइंड बाइट का उपयोग किया जाता है। इस इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके डेटा को बाइनरी हेक्सा या किसी भी प्रारूप में कहते परिवर्तित या परिभाषित या परिवर्तित कर सकते हैं। कहने का मतलब जो दोस्तों, जो DB डायरेक्टिव का उपयोग प्रोग्राम, जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम में 8 बिट का जो भी डाटा होगा, उसको डिफाइन करने के लिए डिफाइन, मतलब डिफाइन बाय या DB का उपयोग किया जाता है। और असेंबलर डायरेक्टिव का उपयोग से किसी भी डाटा को बाइनरी हेक्सा या डेसिमल या किसी भी
नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो यही दोस्तों होता है डिफाइन बाय डीबी। इसके बाद दोस्तों तीसरा हमारा गया है असेंबली डायरेक्टिव और डिफाइन वर्ड DW। दोस्तों DW भी क्या होता है, यह भी प्रोग्राम में 16 बिट के जो भी डाटा होगा उसको परिभाषित करने के लिए डिफाइन वर्ड या DW का उपयोग किया जाता है। बस दोस्तों डिफाइन वर्ड और डिफाइन डाटा में यह अंतर है कि जो डिफाइन डिफाइन डाटा होता है वो 8 बिट डाटा को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों जो डिफाइन वर्ड होता है DW होता है प्रोग्राम में जो भी 16 बिट का डाटा होगा उसको परिभाषित करने के लिए डिफाइन वर्ड का उपयोग किया जाता है। अगला दोस्तों जो असेंबलर डायरेक्टिव है वह है इक्वेट, EQU, इक्वेट। इक्वेट डायरेक्टिव का उपयोग किसी भी एक कांस्टेंट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। मतलब जो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में क्या है कि जो भी कांस्टेंट डाटा है उसको परिभाषित करने के लिए इक्वेट डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है या EQU डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो असेंबलर डायरेक्टिव है वह इंड डायरेक्टिव है, END या इंड डायरेक्टिव। इंड डायरेक्टिव का उपयोग दोस्तों असेंबलिंग प्रक्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब जिस भी कंप्यूटर में जो असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जा रहा है तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए इंड डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। प्रोग्राम में यह अंतिम स्टेटमेंट होता है, मतलब जो भी कोई भी यदि असेंबलर कोई असेंबलर है यदि क्या कह रहा है कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा, ठीक है। तो यह क्या होता है जो इनडायरेक्टिव का करता है उस प्रोसेस को रोकने के लिए इनडायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है। इनडायरेक्टिव के आगे स्टेटमेंट असेंबलर के द्वारा प्रोसेस नहीं किया जाता, मतलब अगर इनडायरेक्टिव डायरेक्टिव के बाद असेंबलर जो भी प्रोसेस होता है वह असेंबलर के द्वारा नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यही 5 प्रकार के मेन क्या होते हैं असेंबलर डायरेक्टिव का उपयोग क्या माइक्रो कंट्रोल में किया जाता है। इतनी बात तो आपको इसमें लिखनी है असेंबलर डायरेक्टिव में। सो फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।